डेरावादी खान प्रेस क्लब में एक होलनाक वाक्य पेश है जो अपनी नोयत का एक मुनफरिद वाक्य है। वहां पे अचानक पुलिस ने धावा बोल दिया, सहाफियों को और जो मेहमान बैठे हुए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे उनको जदोकोब किया। याद रखें कि ये जो प्रेस क्लब है ये वो जगह है जहां पे तारीख लिखी जाती है। किसी भी मुआशरे से एटम बम के जो असरात है ना उसको तो हटाया जा सकता है, लेकिन जो चीज तारीख में लिखी जा चुकी हो ना उसको नहीं हटाया जा सकता। अगर हिरोशिमा नागासाकी में जापान में एटम बम गिराता ना तो वहां पर उसके फिजिकली असरात खत्म हो चुके होंगे। उस टाइम उन्होंने जिस पे जुल्म किया था ना वो है ना जुल्म करने वाले बाकी हैं, मगर जो चीज मुअर्रख ने लिखा, जो चीज प्रेस क्लब में लिखा गया, जो चीज सहाफियों ने लिखा वो आज भी कायम है। अगर नहीं है आप लोगों को प्रेस का कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है तो नोटिस ले आओ, प्रेस क्लब पे चिस्पा कर दो कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इस गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, यहाँ पे ये हर खास और आम बंदे के लिए बंद है, तो उसके बाद चलाओ जिस तरह से मुल्क चलाना है। ये जो प्रेस क्लब है ये तो मुआशरे की आंख कान नाक और जबान है, इससे तो मुआशरा देखता है, इससे तो मुआशरा सुनता है, ये तो मुआशरे की आवाज है। अगर आप इसे मुआशरे की आंखों को बंद कर दोगे, मुआशरे की जबान को बंद कर दोगे, मुआशरे के कानों को बंद कर दोगे तो किस तरह ये मुल्क चलेगा, किस तरह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। प्रेस क्लब पर धावा इस तरह बोल दिया जैसे ये सारे लोग कच्चे के डाकू आए बैठे हों, जिनके पास वेपन हो, जिनके पास कुछ हो, वो तो बेचारे बैठ के माइक पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो सहाफी ठहरे थे वो बेचारे लिख रहे थे, उनके हाथ में कलम था। हाँ, लेकिन ये जो कलम है ना ये उन तमाम हथियारों से भारी है, इसने जो लिखना था ना तुम्हारे बारे में वो लिख दिया है इस कलम ने। ये जो कुछ भी हुआ है वो काबिले मजम्मत है, वो जो है ना काबिले नफरत है और वो काबिले रहम है। प्रेस क्लब की जो दहलीज है उसे पार नहीं करना चाहिए था, इसकी पुरजोर आवाज में मजम्मत करते हैं और अपने जो लिखारी भाई है उनके साथ हर फोरम में ठहरे हैं,